जय हिंद। आज चर्चा करते हैं यूपीटीटी 2011 के जूनियर पेपर में पूछे गए बाल विकास के प्रश्नों पर। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला भाग है, पहला सेक्शन है, इसमें पहला प्रश्न देखते हैं। शिक्षण का सत्तावादी स्तर है, शिक्षण का सत्तावादी स्तर है, इसमें आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा शिक्षक केंद्रित, ए ऑप्शन। दूसरा प्रश्न है, चरित्र का विकास होता है, चरित्र का विकास होता है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से सभी। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है, तो इसमें आपका विभेदीकरण स्तर नहीं होता है, पहला ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उनके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 है, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए, शिक्षक का बर्ताव आदर्शवादी होना चाहिए, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है, कारण, तो इसका कारण यह होता है किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें बालिकाओं की भूमिका जो सामाजिक परिवर्तन में बहुआयामी मानी जाती है, ऐसा इसलिए कहा जाता है। सातवां प्रश्न है, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करता है, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करता है, करती है, इसमें पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है, निदानात्मक शिक्षण, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नवा प्रश्न है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है पुरस्कार देकर, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पुरस्कार देकर। दसवां प्रश्न है, यदि कोई विद्यार्थी आपको सम्मान नहीं करता है तो आप उसकी उपेक्षा करेंगे, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्यारहवां प्रश्न है, मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ है, इसके विकास का अर्थ होता है आपका, 11 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें अभिव्यक्ति, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न देखते हैं, बारहवां प्रश्न है, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तो इनमें अच्छी जानकारी होनी चाहिए, आपका इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से सभी। बाल मनोविज्ञान की जानकारी, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों का मत, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से सभी। 13वां प्रश्न है, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, किशोरावस्था। 14वां क्वेश्चन है, मनोचित्रण का संदर्भ है, मनोचित्रण का संदर्भ है मन के प्रकार का अन्वेषण, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, रिसर्चिंग द फंक्शनिंग ऑफ द माइंड। 15वां प्रश्न है, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से कौन नहीं है, दूसरों के साथ लड़ना, तीसरा डी बी
ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरों के साथ लड़ना ये प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं होता है। 16वां प्रश्न है, एक प्रसामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, सत्रवां प्रश्न है, विद्यालय में विद्यार्थियों का भाग जाने का कारण है। तो इसमें आपका समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा, ये बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है। 20वां प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि क्योंकि यह बच्चों के व्यवहार को समझने में सहायता देता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं, इक्कीसवां प्रश्न है, विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है। तो इसमें सबसे प्रभावी पद्धति है अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंध करना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है, आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आप तो उसे उस इसमें आपका उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि यह वैयक्तिक असफलता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, उत्तरदायित्व की अनुभूति, ईमानदारी, सहभागिता, आज्ञाकारिता। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आज्ञाकारिता। 25 नंबर क्वेश्चन है, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? तो इस स्थिति में कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि आपका जो शिक्षण कार्य चल रहा है वो प्रभावित ना हो और कक्षा के बाद में उस बच्चे के प्रश्न का जो असंबद्ध है विषय से उसका उत्तर दे दिया जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, श्याम पट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण क्या है इसमें? लेखन में स्पष्टता, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप कारण जानने की चेष्टा करेंगे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कि उससे पूछा जाएगा कि क्यों लेट क्यों हो गए, देर से क्यों आ रहे हो। 29 नंबर क्वेश्चन है, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? चुने हुए अभ्यास द्वारा, प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, गहन अध्ययन द्वारा, सत्वर अधिगम द्वारा। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा,
सस्वर अधिगम द्वारा। 30 नंबर क्वेश्चन है, अंतिम प्रश्न है बाल विकास का, सीडीपी का, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, छात्रों को व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना है, ये आपका उत्तर सही हो जाएगा 30 नंबर का डी ऑप्शन। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें।